Hello, good morning, India. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे हाफ एन आवर के लिए अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम कवर करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। अपार्ट फ्रॉम द हिंदू, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, उन सभी को कवर करते हैं ताकि आपके एग्जाम के अंदर और आपकी नॉलेज दोनों इंप्रूव होती रहे। और एग्जाम चाहे आप देश का कोई सा भी दे रहे हो, चाहे SSC हो, चाहे आपका स्टेट का PSC हो, चाहे आपका रेलवेज हो, बैंकिंग हो, या फिर कोई आपका और कोई एग्जाम हो, डजंट मैटर दोस्तों, देश के हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे, जो कि हम यहां पे डिस्कशन करते हैं। साथ में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब भी आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीजें कोरिलेटेड होती है और हम हर चीज के पास्ट के बैकग्राउंड में जरूर जानते हैं। तो वहां से आपके हिस्ट्री, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, सबको जानते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह देखते हैं सबसे पहले तो क्या अकेडमी के ऊपर क्या चल रहा है, और साथ में उसके बाद देखेंगे आज के 10 इंपॉर्टेंट जो मैंने कल दिए थे। आपको अकेडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो BHUNESH भुनेश 10 रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। आपको सभी की सारी क्लास दोस्तों, और साथ में ठीक है और साथ में आपको यहां पे 10% ऑफ भी मिल जाएगा। यहां पे रेलवे में अभी मेरी 40 स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही है, साथ में 111 टेस्ट में इसके 30 है। बैंकिंग के अंदर IBPS PO मेंस की क्लासेस चल रही है, 30 नवंबर को पेपर है, जबरदस्त तैयारी चल रही है। और CGL दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लेना दोस्तों, CGL के अंदर आपको लाइफ में वापस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारी जो SSC वाली क्लास है आपके देश के हर एक एग्जाम के अंदर काम आएगी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, रेफरल कोड आपको बता ही दिया है, पहला सवाल देख लेते बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए एक नया एक प्रोमो वीडियो है जो कि आपके लिए लॉन्च किया जाएगा, तो काफी मजा आने वाला है। ओके, शाम में 5 बजे ठीक है लाइव जरूर आइएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हेल्थ सिस्टम ऑन न्यू इंडिया बिल्डिंग ब्लॉक्स पोटेंशियल पाथवेज फॉर रिफॉर्म्स रिलीज करी है, जिसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को बदलना है? तो भाई, नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपका अगला सवाल देखते हैं, नवंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विदेशी सहयोग का एक नया विभाग बनाने का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे दुबई में इंडो अरब लीडर समिट एंड अवार्ड 2019 में विजनरी लीडर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गौरव शर्मा आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। किसने नई दिल्ली में शॉटगन स्पर्धाओं में चल रही 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिला ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता है? और यह श्रेयसी सिंह है जिन्होंने यहां पे जीता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की मेजबानी कर रहा है? और यह है न्यू दिल्ली। हाल ही में किस कंपनी ने एक एंटी बैक्टीरियल LED बल्ब है जो कि लॉन्च किया है? और यह सिस्का LED ठीक है, तो यह आपका सही आंसर होगा। किस शहर में विशेष शीतकालीन ग्रेड डीजल लॉन्च किया गया है? और यह है दोस्तों लद्दाख। 2019 में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व दिवस ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय को भारतीय व्यक्तित्व को वर्ष पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? और यह है बजरंग पूनिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ने अपना नाम बदल के दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स है, जो कि रख लिया है। आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं, जो कि आप नाजिम और श्रेया के द्वारा भेजा गया है। नाजिम बोलते हैं, नो वन नोज मी बेटर देन मी, सो इफ आई चीट विथ माई सेल्फ नो वन गेट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे काफी अच्छी बात बोली गई है, आपको आपसे ज्यादा जो है वो कोई नहीं जानता, और अगर आप अपने आप को चीट कर रहे हैं तो आप खुद इनरेस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे हैं, और आने वाले जो भी कंसिक्वेंसेस है वो आप ही को झेलने पड़ेंगे।
कभी भी जीवन में आपकी कोई भी अच्छी कंडीशन है तो हमेशा दूसरों को उसका सपोर्ट दो, दूसरों को हमेशा उसका एक पार्ट जो है हमेशा दो, क्योंकि कोई भी सक्सेस अकेले नहीं मिलती, लोगों का बहुत सारे लोगों का उसमें सपोर्ट होता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपके रिलेटिव, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके टीचर्स हो, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका ब्लेम सिर्फ और सिर्फ हमेशा खुद पर लेना सीखो, क्योंकि आप उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो, शायद आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है और किसी दूसरे को ब्लेम जो है वो नहीं देना चाहिए। साथ में यहाँ पे श्रेया बोल रही है, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, जिंदगी आपकी है, बस अपने मस्त स्वभाव में जियो। तो भाई ना तो किसी के अभाव में जियो, अभाव की कोई कमी नहीं है आपके पास में। जब मारुति होगी तो आप बोलोगे होंडा सिटी, होंडा सिटी होगी तो बोलोगे ठीक है मर्सिडीज, मर्सिडीज होगी होगी तो आप बोलोगे फरारी, और फरारी तो उसके बाद में एक प्लेन मांगोगे, ठीक है ना। तो कोई भी अभाव आप दोस्तों, एक रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो हमेशा चलती रहती है, तो उसको कभी लोड मत लिया करो। और प्रभाव में भी कोई जीने की ज़रूरत ही नहीं, आपकी अपनी ज़िंदगी, अपने आपके फैसले, अपनी आपकी जीवन है, और उसको अपने तरीके से जीना सीखो और अच्छे तरीके से जीना सीखो। ना किसी का बुरा चाहो, ना किसी का बुरा करो। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। चलो तो आज बहुत कुछ है दोस्तों जो कि आज आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो उसके बीपीसीएल की जो स्टेक है उसको बेचेगी, और चार और पीएसयू के। तो आपको मालूम ही है पीएसयू जो कि भारत के इस टाइम पे शान हुआ करते थे, आज जो है धीरे धीरे बिकने की कगार पे है। इसके अलावा अमित शाह ने बोला है कि पूरे देश में एनआरसी एक्सरसाइज है जो कि कराएंगे, इसके बारे में भी जान लेंगे। इसके अलावा दोस्तों ठीक है, सेंटर ने बोला है कि इस कश्मीर के अंदर जो डिटेंशन किया हुआ है लीडर का, वो नेशनल के इंटरेस्ट के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई सबरीमाला टेंपल के को लेकर कुछ स्पेशल लॉ है जो कि बनाओ, ताकि वहाँ पे आप किस तरीके से काम करो उसको जस्टिफाई कर सकें। यहाँ पे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं महिंडा, उनके बारे में जानकारी लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो कि फिशरीज डे को लेकर है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एचआरडी पैनल जो है वो जेएनयू प्रोटेस्ट के अंदर जेएनयू के जो लीडर्स हैं उनसे मिलने गया है, ताकि इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको काम डाउन कर सके। तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है, जहां जहां पे मैंने स्टार मार्क किया है इन सबको हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने वेनेसडे का अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट का प्रपोजल टू सेल द एंटायर 53.29% स्टेक इन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस कर दिया है बीपीसीएल के जो, इसके अलावा 61.65% जो शेयर है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर उसको भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर तौर पे। तो यहाँ पे ये चीज जानकारी दी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो क्या कर रही है, अपना एंटायर 63.75 स्टेक जो है वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी दे रही है, और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो दूसरों को दे देगी, और 30% जो है वो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसको भी हैंड ओवर करेगी। इस तरीके से दोस्तों चार पांच पीएसयूज है और उसको लेकर यहाँ पे बातचीत करी गई है। तो दोस्तों क्यों ना हम ऐसे करें कि आने वाले दिनों के अंदर संडे को कितनी पीएसयू जो है और प्रेजेंट के अंदर उनका क्या सिनेरियो है, पास्ट में क्या सिनेरियो था, इसके बारे में हम जानकारी लें, ठीक है। तो मैं आपके लिए दोस्तों आने वाले संडे को, आने वाले सैटरडे को या संडे को, आने वाले संडे को एक वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा आपको वाईफाई स्टडी पे। मुझे मालूम है कि काफ़ी बच्चे इसके बारे में जानना चाह रहे होंगे कि पीएसयू जो है पहले क्या, पास्ट में इसका क्या सीन था, जो जो पीएसयू के बारे में अभी बातचीत हो रही है, और प्रेजेंट में क्या सीन है, पहले ये कैसे काम कर रही थी, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट के अंदर जो है ये कैसे काम कर रही है, और क्यों जो है इसके स्टेक बेचे जा रहे हैं, किसको बेचे जा रहे हैं, और इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, समझ गए। तो ये क्या है, पूरा का पूरा सेपरेट टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा, 15-20 मिनट एक न्यूज़ में चले जाएंगे। तो इसको लेकर मैं आपको पूरा का पूरा एक संडे को वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा सुबह के टाइम पे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आपके एग्जाम में सिंपल सा सवाल आएगा कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है कितने परसेंट स्टेक है, ठीक है, जो कि बेच रहा है स्टेक इन, मतलब किस कौन सी कंपनी में, बीपीसीएल में। बीपीएल सबसे बड़ी है, मतलब बीपीसीएल बाकी चारों पीएसयूज के अंदर में, इसीलिए जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनी को 2 साल के लिए बोल दिया गया कि आप 2 साल में पैसा जो है वो 42,000 करोड़ जो है ना वो आप दे सकते हो, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं जो कि है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का,
जो कि अमित शाह बोल रहे हैं कि पूरे देश में कराया जाएगा। राज्यसभा के अंदर उन्होंने इसके बारे में न्यूज़ है जो कि दी है। आसाम के अंदर तो हो नहीं पाया। आसाम के अंदर आपको मालूम है अभी तक 30 लाख लोग हैं, उनका लिस्ट में कोई नाम नहीं है जो कि वहाँ पर रह रहे थे। अब 30 लाख लोगों को ना तो आप देश के बाहर निकाल सकते हो और ना आप बोल रहे हो कि हम देश में रखेंगे भी नहीं। तो ये इतना बड़ा लार्ज सेटलमेंट का ह्यूमन पॉपुलेशन का करोगे क्या? ये एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ा एक रोहिंग्या मुस्लिम्स की हालत हम लोगों ने देखी है। दुनिया में सबसे बड़ा एक रिफ्यूजी कैंप लगा हुआ है, कितनी बुरी हालत है वहाँ पे। और इंसान जो है एक दूसरे इंसान की इतनी बुरी हालत कर सकता है ये भी कभी किसी इंसान ने सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 लाख लोगों का क्या किया जाएगा? साथ में अगर पूरे देश में कराया जाएगा तो बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी या फिर जो भी बाकी देश के लोग हैं जो कि इलीगली हमारे देश में रह रहे हैं उनको आप कहाँ भेजोगे, समझ रहे? क्योंकि उनका देश तो उनको एक्सेप्ट करेगा नहीं। साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनआरसी के अलावा सिटीजनशिप बिल को भी लेकर कि जो हिंदू कम्युनिटी, सिख, जैन, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर जो कि वहाँ पे माइनॉरिटी और काफ़ी परेशान किए जा रहे हैं उनको हमारे देश के अंदर हम सिटीजनशिप ग्रैंड कर देंगे, समझ गए? तो ये दो बातें यहाँ पे बोली गई है। हालांकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो अभी भी पेंडिंग है क्योंकि उसको लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट ने काफ़ी प्रोटेस्ट दायर किया हुआ है और वहाँ पर बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है जो कि वहाँ पर रूल कर रही है, समझ गए? तो और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्वे जो है वो वापस से आसाम के अंदर रिपीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बातचीत है जो कि बोली गई है, ठीक है। चलो एनआरसी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। एनआरसी है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि एनआरसी जो है ना वो काफ़ी टाइम से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे देश के सिटीजन को पता करने के लिए, ताकि हमारे देश के सिटीजन रहे, उसको लेकर जो है ये प्रथा जो है वो स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। रजिस्टर पहली बार 1951 के सेंसस में प्रिपेयर किया गया, उसके बाद काफ़ी टाइम तक इसको अपडेट नहीं किया गया, फिर आसाम के अंदर इसको लागू किया गया। बोला गया कि 1971 के अंदर जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उसके बाद में जो लोग आए हैं वो इंडिया का पार्ट नहीं है, जो आसाम में 71 से पहले रह रहे हैं वो इंडिया का पार्ट माना गया है, ठीक है। 71 के बाद में बहुत सारे लोग हैं जो कि बांग्लादेश से भारत में आ गए थे रिफ्यूजी बन के और वो आसाम के अंदर ही रह गए हैं, समझ गए? तो 2013 के अंदर जो है इसका अपडेशन को लेकर बात करी गई थी, ओके। उम्मीद है कि आप पूरा मुद्दा समझ गए होंगे कि ये क्या है क्यों किया जा रहा है और एक ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। आसाम के अंदर जो है काफ़ी लोगों की डिमांड थी और उसको पूरी करी गई एनआरसी को लेकर, तो काफ़ी बड़ा वोट बैंक है जो कि वहाँ पे एनआरसी के नाम पर हुआ है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि यहाँ पे श्रीलंका के लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राजपक्षा जी, महिंदा राजपक्षा, उनको प्राइम मिनिस्टर है जो कि ट्यूसडे को बनाया जाएगा, ओके। उनके यंगर ब्रदर और न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा जी के द्वारा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि जो गोटाबाया जी ये तो है छोटे भाई और जो बड़े भाई हैं वो बन रहे हैं प्रधानमंत्री और छोटे भाई बन चुके हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो विक्रमसिंघे जो कि वहाँ पे प्रधानमंत्री थे वेनसडे को, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो स्टेप डाउन होंगे और ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे राजपक्षा की जो फैमिली है इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, ठीक है। पहले भी बोल चुका हूँ भारत के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है क्योंकि शुरू से ही क्या रहे प्रो चाइना इनकी स्ट्रैटेजीज है जो कि रही है, तो भारत के लिए किस तरीके से चैलेंजिंग रहेगा ये आने वाले दिनों के अंदर हमको पता लगेगा। आगे बात करते हैं वर्ल्ड फिशरीज डे को लेकर जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 21 नवंबर को, ओके। तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, 21 नवंबर को क्या आज का दिन जो है वो वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है, जो अपने मछुआरे हैं, ओके, ठीक है, जो अपने मछुआरे हैं और उनके बेनिफिट को लेकर यहाँ पे बात करी जाती है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 2 और यहाँ पे दोस्तों जो कि हम डिस्कशन करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया का जो एक डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, उसने अपनी ब्रांच ओपन करी है हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ओपन किया है। ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है डैन करके, उन्होंने IDP एजुकेशन जो है IDP एजुकेशन न्यू रीजनल हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ओपन किया है। IDP क्या है दोस्तों? ये एक इंटरनेशनल एजुकेशन कंपनी है। क्या है ये? इंटरनेशनल एजुकेशन कंपनी है, ओके, और जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके जितनी भी ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे 50% ओनरशिप जो है ना वो इस IDP की है, समझ गए? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर टू इंडिया है हरिंदर सिंधु करके उनका नाम है, तो वो यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया कि इस एजुकेशन से क्या होगा, काफ़ी सारे
आईलेट्स से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चे, बाहर इंडिया आने वाले बच्चे, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। समझ गए? तो आपसे पूछेंगे कि आईडीपी एजुकेशन ने कहाँ पे अपना हेडक्वार्टर ओपन किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? सिंपल सी बात है और इसके अंदर कुछ भी डिटेल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में भाई वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सकें। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। आगे बात करते हैं पेज नंबर 5 और यहाँ पे दोस्तों फाइनली यहाँ पे मुस्लिम टीचर को BHU के अंदर सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो आपको मालूम है अभी हमने कुछ दिनों पहले भी इस मुद्दे के ऊपर बात करी थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट करे गए थे संस्कृत के फैकल्टी फिरोज खान, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के बस्ती एरिया से, जयपुर के पास में एरिया है। और जब उनको संस्कृत डिपार्टमेंट का वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया BHU के अंदर, तो दोस्तों काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ कुछ बच्चों के द्वारा और बोला कि एक मुस्लिम जो है उनको उतनी अच्छी नॉलेज नहीं दे पाएगा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पिछले 12 दिन से वो जो है VC के ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। फाइनली ये बात देश के अंदर फैलने लगी और पूरे देश से जो है वो सपोर्ट मिलने लगा फिरोज खान को। फिरोज खान उनका नाम है। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि कोई भी एजुकेशन चाहे किसी भी लैंग्वेज की हो, वो किसी भी धर्म से रिलेटेड, सांप्रदाय से रिलेटेड नहीं होती है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो बहुत बड़ा मिथ पाला हुआ है और ये सिर्फ एक तरीके से हम बात करें तो ये प्रोटेस्ट इतना जेन्युइन हम नहीं कह सकते हैं कि आपको सभी समझ सकते हैं इस बात को कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो किसी कम्युनिटी के नहीं है। बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त लेखक हैं जो कि उठते हैं, है ना, जो कि हिंदू है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो कि संस्कृत के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है। यहाँ तक कि अगर मैं फिरोज खान के बारे में भी बात करूँ तो इनके ग्रैंडफादर भी तो संस्कृत के अंदर वो भजन कीर्तन जो है वो किया करते थे। उसके अलावा इनके जो फादर है वो भी संस्कृत के विख्याता है ज़बरदस्त। और यहाँ तक कि फिरोज खान की बात करें दोस्तों तो ये खुद जो है वो PhD स्कॉलर है, साथ में नेट क्लियर है, JRF क्लियर किया है इन्होंने संस्कृत से। तो इतनी ज़बरदस्त जो है ऑलरेडी, ठीक है, एकेडमिक्स होने के बाद में अगर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आप कहीं पढ़ा नहीं सकते, तो ये काफ़ी एक ख़राब चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश में जो सपोर्ट मिल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव मिलेगा और ये जो लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं जो कि एक रिलीजन के नाम के ऊपर एजुकेशन को एक दिखा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत होगा, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस न्यूज़ के बारे में भी वाकिफ। 18 तक जो है ना वो ये बात कहता है, राइट टू इक्वलिटी की बात है, वो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। राइट टू इक्वलिटी में क्या है कि भैया हर किसी को इक्वल राइट्स है और BHU के जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो पूरी तरीके से नॉर्म्स के मद्देनज़र रखकर किया गया है। समझ गए? तो यहाँ पे किसी भी तरीके से हटाने की जो बात है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। चले के ऊपर ठीक है, पेज नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि रामनाथ कोविंद जी को लेकर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने वेनेसडे को जो है प्रेसिडेंट कलर टू द इंडियन नेवी अकेडमी अवार्ड है जो कि दिया है। एक अवार्ड होता है प्रेसिडेंट कलर, तो ये किसको दिया है? INA को दिया है, INA। ये क्या है? इंडियन नेवल अकेडमी है। तो अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, तो जिस तरीके से नेवल ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है, शेप किया जाता है, उसी चीज़ को लेकर इस अवार्ड जो है ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे इसराइल को लेकर, पेज नंबर 11 में। तो आज एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो कि डेटा पॉइंट के अंदर दिया हुआ है। तो अभी रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ है कि इसराइल ने ना पैलेस्तीन का कुछ एरिया है, वेस्ट बैंक करके एक एरिया है, वहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया था। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के अंदर लेके जाना चाहूँगा, इसराइल के इतिहास के अंदर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखो दोस्तों इसराइल पहले कहाँ पर है, पहले तो ये समझ लो। ये छोटा सा देश आप देख सकते हो मेडिटेरियन सी के पास में, ये कौन सा है? इसराइल है, ठीक है। आपने यहाँ पे मैप में देख लिया होगा, ये रहा इसराइल। 1946 में दोस्तों पैलेस्तीन जो है वो हुआ करता था, इसराइल जो है बिल्कुल नाम मात्र का हुआ करता था, ठीक है। जब जर्मन जूश जो लोग थे उनको जर्मनी से निकाला गया, वहाँ पर बहुत बड़ा मैसेकेयर किया गया, ओके। तब धीरे धीरे जो है वहाँ से लोग निकल के, जूश जो लोग हैं वो अपने खुद की जो इनकी लैंड थी, इसराइल वाली जो लैंड थी
वहाँ पे आने लगे और फलस्तीन यहाँ पे हुआ करता था उस जमाने में। उसके बाद में 47 के अंदर यूएन के प्लान के हिसाब से दोस्तों क्या हुआ, आप जो ग्रीन में देख रहे हो ये तो है फलस्तीन और जो येलो में नजर आ रहे दिख रहा है आपको वो इसराइल है। तो इसराइल को काफी सपोर्ट मिला और इसराइल को यूएन ने एक देश जो है वो रिकॉग्नाइज किया। हालांकि भारत ने उस टाइम पे इसराइल को सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि भारत को अरब देशों के सपोर्ट की जरूरत थी और भारत ने अरब देशों को जो है वो सपोर्ट दे दिया था। आसपास के जितने भी ये देश है वो सारे डरा करते थे कि अगर कल को इसराइल बड़ा हो गया तो उनका जीना जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा और हुआ भी वैसा ही दोस्तों। 1967 के अंदर क्या होती है, एक 6 डे वॉर होती है, 6 दिन की वॉर होती है और 6 दिन के अंदर आसपास के जितने भी देश है, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, और ये लेबनान हो गया, ये सारे के सारे देशों को दो है दोस्तों 6 दिन के अंदर ही धूल चटा दी गई इसराइल के द्वारा। 20,000 सैनिक है जो कि यहाँ पे बाकी देशों के मरे और मात्र 800 सैनिक है जो कि इसराइल के मरे, समझ गए मेरी बात। तो इसको 3 डे वॉर है जो कि कहते हैं। उस टाइम पे इजिप्ट हो गया और साथ में जॉर्डन, सीरिया, इन सभी देशों ने जो है पूरी तरीके से मदद की थी। इनफैक्ट सऊदी ने भी काफ़ी मदद करी थी बाकी आसपास के देशों की, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट यहाँ पे लोकेशन थी और कल को कल भी आपको 6 मेजर कंट्रीज पूछे ना, अगर मतलब जो 4 मेजर कंट्रीज थे जो 6 डे वॉर के अंदर इंक्लूड थे, 6 दिन की वॉर थी, 6 डे वॉर बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर एक तो इराक हो गया मेजर जो सामने से आके लड़े थे, एक हो गया इजिप्ट, साथ में हो गया जॉर्डन और हो गया सीरिया। इसके अलावा बाकी सारे देशों का भी सपोर्ट मिला था इस वॉर के अंदर, लेकिन ये सारे देश दोस्तों 20,000 इनके सैनिक है जो कि मारे गए और बहुत गंदी तरीके से इनको हार का सामना करना पड़ा और इनको अपना एरिया भी खोना पड़ा। बाद में दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ये प्रेजेंट इसराइल है और आप देख सकते हैं ये जेरूसलम है, तल अवीव है और ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ये फलस्तीन वाला एरिया है, समझ गए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं कि इस एरिया में क्या क्या है। ये तो आपका इजिप्ट का एरिया है, ठीक है, ये सऊदी है, ये जॉर्डन है और ये सीरिया है, तो ये आसपास के देश है, ओके। अब ये बीच में पड़ गया इसराइल, एक बार हराया उसके बाद में कभी इन देशों ने आसपास जो है वो वापस लड़ाई करने की हिम्मत नहीं करी। लेबनान है, ये भी लड़ाई के अंदर था। इसराइल की बात करें दोस्तों तो ये देखिए जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना वो ये वाला एरिया है, वेस्ट बैंक का एरिया, गाजा स्ट्रिप ये वाली है। गाजा का नाम आपने सुना होगा, इसराइल ने इसको अटैक करके अपने अंडर में ले लिया था गाजा स्ट्रिप को। वेस्ट बैंक की बात करें तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, यूएन ने 2016 के अंदर जो है इसको डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था और बोला था इसराइल को कि ये यहाँ पे कोई भी घर वर जो है सेटलमेंट नहीं करेगा। ये यूएन की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना उन्होंने फैसला सुनाया था 2016 के अंदर, समझ गए। हालांकि ये बाइंडिंग नहीं था लेकिन उनका फैसला था, जो आपको मालूम है ना 15 होते हैं, 5 तो परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो उस टाइम पे 14 लोगों ने जो है इसराइल को सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे, समझ गए, और बोला कि ये वेस्ट बैंक का एरिया डिस्प्यूटेड एरिया और यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। ये है इसको तल अवीव जो कि एक और कैपिटल, सेकंड कैपिटल मानी जाती है। ये गोलन हाइट्स ये वाला एरिया, यहाँ पे अभी आपको मालूम है कि ट्रंप के नाम पे, ट्रंप जो है, ठीक है, ट्रंप के नाम पे भी यहाँ पे जो है ट्रंप हाइट नाम से जो है यहाँ पे कुछ सेटलमेंट है जो कि किया जा रहा है, कुछ बिल्डिंग्स बनाई जा रही है इस वाले एरिया के अंदर, गोलन हाइट के अंदर। तो कुल मिला के ये वाला एरिया भी जो है वो इसराइल ने ले लिया। ये मेडिटेरियन सी का एरिया है, ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों डेड सी है बीच में, इसराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी, ठीक है, जहाँ पे कोई डूबता नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है तो उसके ऊपर लोग तैरते रहते हैं, कभी कोई डूबता नहीं है इसके अंदर, है ना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको मैप बता दिया जो कि इसराइल का मैप है, समझ गए होंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक की, ठीक है। अब इस वेस्ट बैंक के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे सेटलमेंट करना चालू कर दिया। एक्चुअली में पहले के टाइम पे क्या होता था कि इसराइल अपने जो सोल्जर्स होते ना उनके लिए घर बनाया करता था, जो भी एरिया जीता करता था वहाँ पे धीरे धीरे लोगों को जो है आने दिया जाता था, धीरे धीरे जो है वो पूरे के पूरे इसराइल जो है लोग जो है वहाँ पे रहने लग जाते थे। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप देख सकते हो वेस्ट बैंक के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और बड़ी बात यह है कि यूएस ने भी इसको लीगल बोल दिया है, पूरी तरीके से यूएस ने भी इसको लीगल बोल दिया है कि ये लीगली जो है यहाँ पे पूरी तरीके से अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यूएस कैसे सपोर्ट कर सकता है जब 2016 के अंदर यहाँ पे यूएन का ऑलरेडी फैसला आ चुका था, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा बता रखा है कि देखो पॉपुलेशन कैसे यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये एरिया जो है वो कैप्चर करते जा रहा है। तो फलस्तीन जो ऑलरेडी काफी कम हो गया था धीरे धीरे जो है पूरी तरीके से खत्म होने के कगार के ऊपर है, समझ गए।
आगे बढ़े, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा यहां पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है पेज नंबर 13 और यहां पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो यूएस को लेकर है कि यूएस की जो नेवी की जो गन्स है वो भारत को देने के लिए बोल दिया गया है और $1 बिलियन का ये जो है ये टेंडर होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई करवाया है यूएस कांग्रेस को कि वो $1 बिलियन की सेल जो है वो कर सकता है नेवल गन्स जो कि भारत को ठीक है कि भारत किसी वॉरशिप के अगेंस्ट या जो है कहीं पर भी उसको काम में ले सकता है अपनी नेवी के पावर को आगे बढ़ाने के लिए, समझ गए। तो ये क्या है 13 MK-45 ओके, इनको बोलते हैं MOD-4, इन गन्स को बोलते हैं MOD-4 है इन गन्स का नाम है ना, नेवल गन्स है ये, तो इनकी कॉस्टिंग आ रही है कोई $1 बिलियन के आसपास ओके। तो भारत जो है इनको कुछ टाइम के अंदर खरीदने वाला है, तो भारत ने जो है इसके लिए बोला था। और MK-45 गन सिस्टम भी है, एक और MK-45 गन सिस्टम भी है, इससे भी भारत की जो नेवी की पावर है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 15 और यहाँ पे रिजर्व बैंक की न्यूज है कि रिजर्व बैंक ने दोस्तों डिसाइड कर लिया है कि वो सुपर सीड करेगा यानी कि कंट्रोल करेगा जो ट्रबल्ड बोर्ड है, किसका, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, DHFL बोर्ड को लेकर, ठीक है। पहले क्या था दोस्तों कि RBI जो है ना वो जो ये माइक्रो फाइनेंस फर्म्स है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स है, इनको कंट्रोल नहीं किया करता था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इनके लॉ के अंदर तब्दीली करी गई, समझ गए। और पहली बार ऐसा होगा कि RBI कंट्रोल करेगा बोर्ड किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, NBFC का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, समझ गए। तो पहली बार होगा, फर्स्ट टाइम हमारे देश में ऐसा होगा कि RBI इनके बोर्ड को कंट्रोल करेगा, पहली बार ऐसा होगा। और ऐसा पहली कंपनी कौन सी है, DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये फर्स्ट फाइनेंशियल फर्म है जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग यानी कि पैसा जमा करवा नहीं, कहीं 80,000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर कर्जा है, 40,000 करोड़ रुपए का तो बैंकों का पड़ा हुआ है इसके ऊपर। तो फाइनली बोल दिया गया कि भाई आपके बोर्ड मेंबर की जगह RBI के होंगे और हम क्या करेंगे, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है NCLT वहां पे जो है इसको लेके जाएंगे और इसको दिवालिया घोषित करने का जो काम होता है उसकी शुरुआत है जो कि हम करेंगे, समझ गए मेरी बात। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे डायरेक्टली सवाल है जो कि यहां से पूछेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 20 और यहाँ पे रजनीकांत जी को लेकर बातचीत करी गई है। कुल मिला के दो इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे और तीन है, इनफैक्ट कोहली भी है यहाँ पे आज, कोहली के बारे में भी करेंगे। और अभी आपको मालूम है शुरुआत हो चुकी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में करवाया जा रहा है, इस बार गोल्डन जुबली है दोस्तों, 50वां एडिशन है और अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और यहाँ पे इजाबेल करके एक और फ्रेंच आर्टिस्ट है, तीनों को यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं ऑनर किया गया है और इन्होंने क्या किया है इसकी शुरुआत करी है, ठीक है, समझ गए। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और काफी जबरदस्त फ्रेंच एक्टर है इजाबेल हपलट करके इनका नाम है, तो 150 मूवीज इन्होंने करी है, तो इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि यहाँ पे दिया गया है, समझ गए मेरी बात। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है कोहली की, कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम के जो है विराट कोहली, उन्होंने वेनेसडे को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी कि पीटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 है, पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, जिस तरीके से उन्होंने एनिमल राइट्स की एडवोकेसी करी है उसलिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट है जो कि है हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल टेक्निक जो यूज करके, एनालिटिक्स यूज करके, सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा नॉर्थ कोरिया ने जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था सितंबर 2017 में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाया है कि कितना पावरफुल था। आपको मालूम है दोस्तों अर्थक्वेक आ गया था और साउथ कोरिया तक जो है वो हिल गया था जब ये नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 2017 के अंदर, समझ गए। अभी तक के सबसे पावरफुल थर्मो न्यूक्लियर डिवाइसेस जो है वो टेस्ट किए गए ऐसा माना जाता है, समझ गए। 17 गुना ज्यादा पावरफुल था जो हिरोशिमा नागासाकी में, जो हिरोशिमा में जो धमाका हुआ था ना उससे 17 गुना ज्यादा था, ये इंडियन साइंटिस्ट ने पता किया है। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंसर है वो भी लगाए गए ओके। और आपको मालूम है दोस्तों आज के टाइम पे जितने भी मीडिया वाले दिखाते ना कि लड़ाई हो जाएगी, वॉर हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, सब फेक बातें हैं। हर देश अपने आप में बहुत पावरफुल हो चुका है, हर देश जो है वो खुद का इंटरेस्ट देख रहा है,
ठीक है, यूएन की कोई बात मान नहीं रहा है, यूएसए खुद यूएन की बात नहीं मान रहा है, और हांगकांग के अंदर जो हो रहा है आप सभी को मालूम है कितने टाइम से, लेकिन कोई भी देश बोल नहीं रहा है उसके खिलाफ। तो कुल मिला के बात यह कि जो देश को जो करना है वो करके रहता है, तो इसके अंदर जो है कोई भी दूसरा देश जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 गुना मोर पावरफुल जो है नॉर्थ कोरिया ने जो 2016 में किया था उससे ज़्यादा 10 गुना माना गया, और हिरोशिमा पे जो गिरा था उससे 17 गुना जो है वो माना गया है। माउंट मंटैप करके एक एरिया है, वहां पे जो है ना इस टेस्ट को कराया गया था, ठीक है, और काफी जबरदस्त एक्सप्लोजन है जो कि हुआ था। आपको मालूम है काफी सारे टेस्ट है जो कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया करते हुए आ रहा है, मिसाइल टेस्ट हो गया, साथ में आपके न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको छोटी सी कुछ एक वीडियो मेरे को मिला हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से मिसाइल टेस्ट हो गए और न्यूक्लियर टेस्ट हो गए वो कितने ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर है जो कि नॉर्थ कोरिया पिछले कुछ सालों के अंदर कर रहा है। 540 मीटर जो है ना मैंटैप के 540 मीटर के डेप्थ के अंदर जो है ये आप देख सकते हो दोस्तों टेस्ट किया गया, और कितना ज़बरदस्त एक्सप्लोजन है उसके बाद में भी हुआ था, समझ गए। तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि थोड़ा सा न्यूक्लियर टेस्ट और मिसाइल टेस्ट जो है यहाँ पे करे गए हैं। In response to the North Koreans, the U.S. and South Korea launched short-range missiles up the coast of the Korean Peninsula. There is still time for diplomacy. तो इस तरीके के कुछ टेस्ट है जो कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जो है वो पिछले काफी टाइम से कर रहा है। आप देख सकते हो एक्सप्लोजन जो है वो काफी जबरदस्त स्केल के ऊपर हुआ था। इस तरीके से कई सारे मिसाइल टेस्ट है जो कि लगातार किए जा रहे हैं। देखो 1961 के अंदर जो है ना टंजर बॉम्ब जो है उसकी शुरुआत करी गई, रशिया ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट है जो कि किया था 1961 के अंदर। हालांकि यूएसए ने किया था 1954 के अंदर वैसे तो, लेकिन सबसे लार्ज बड़ा जो है ना वो रशिया ने किया था। सबसे पहला टेस्ट तो 1954 के अंदर जो है वो यूएस ने किया था, 15,000 किलो टन जो आप देख सकते हो, ठीक है, वो इसका वो था एक मास था। 50,000 किलो टन का जो है वो रशिया के द्वारा किया गया है ना डिटोनेशन को लेकर। उसके बाद में फिर हम आते हैं 4,000 किलो टन जो है 1976 में चाइना के द्वारा किया गया। उसके बाद में ब्रिटेन ने किया 3,000 टन का ग्रैपल वाय जिसको कहते हैं, फिर 2600 का किया गया दोस्तों फ्रांस के द्वारा, ओके, और अब देख सकते हो 2017 के अंदर 100 किलो टन का जो टेस्ट है वो किया गया है। अभी तक का दुनिया का 6th लार्जेस्ट ये माना जा रहा है, ओके। उसके अलावा फिर जापान ने भी किया था, जो जापान ने जो किया था ना वो 15 किलो टन का था, जो जापान के ऊपर किया गया था 1945 के अंदर, जो जापान के ऊपर यूएस ने जो बम गिराया था ना वो उसका वेट था 21 किलो टन का। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि 21 किलो टन के एक बम ब्लास्ट से पूरी सिटी तबाह हो सकती है और साथ में 2 से 3 लाख लोगों की जाने जा सकती है। तो यहाँ पे अभी नॉर्थ कोरिया ने 100 किलो टन का किया है, तो 100 किलो टन से क्या हो सकता है। और कल को अगर अमेरिका और रशिया उतर गए अगर न्यूक्लियर वॉर पे ऊपर, तो इस अर्थ का क्या होगा ये आप समझ सकते हैं, समझे हो, ये आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसलिए दुनिया में वर्ल्ड वॉर का कोई चांस नहीं है। हर एक देश बहुत पावरफुल है, सबके एक दूसरे देश के साथ में ट्रीटीज है, ठीक है। तो ये अल जजीरा जो है उसके सोर्स के द्वारा यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है, ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है IRCTC दोस्तों, एक गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन है जो कि मार्च 2020 से स्टार्ट करेगी, और ये कर्नाटका स्टेट टूरिज्म के साथ में किया जाएगा, ठीक है, और ये कर्नाटका के जो हम्पी वाली साइट्स है वहाँ पे सब पे दिखाई जाएगी इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट है EDB ने दोस्तों $91 मिलियन का लोन दिया है विजयनगर चैनल को, विजयनगर चैनल को आगे बढ़ाने को लेकर, ताकि विजयनगर का जो इरिगेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके कृष्णा रिवर बेसिन के ऊपर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये एग्रीमेंट है जो कि किया गया है। आगे बात करते हैं जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल बिल 2019 है जो कि पास पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है, लोकसभा के द्वारा इसको पास जो है वो किया गया है। तो इसके अंदर क्या है, जो प्रेसिडेंट थे ना पहले, जो इसके तहत जो है प्रेसिडेंट थे जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे ट्रस्टी थे उनको हटा दिया गया है, ओके, और जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी है ना वो क्या होगी यहाँ पे ट्रस्टी होगी, किसके अंदर, जलियांवाला बाग जो नेशनल मेमोरियल जो है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे टर्मिनेट कर सकती है किसी भी नॉमिनेटेड ट्रस्टी को, एक्सपायर कर सकती है, समझ गए ये सब। तो क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग जब मैसेकर हुआ था ना
13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद में एक ट्रस्ट बनाया गया था जलियांवाला बाग नाम से, और इस ट्रस्ट का जो हेड था, प्रेसिडेंट जो बनता था, वो कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था। अभी उनको रिमूव कर दिया गया है। अभी जो है जो पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी होगी वो यहाँ पे बन जाएगी। आगे बात करते हैं सेंसस 2021 की, जो कि 16 लैंग्वेजेस के अंदर करवाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है दोस्तों नित्यानंद राय, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर है, उनके द्वारा। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नियर बाय 9,500 करोड़ रुपए का बजट है जो कि सैंक्शन किया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, स्मृति ईरानी ने एड्रेस किया साउथ एशिया सेफ्टी समिट, जो कि कहां पे दिल्ली के अंदर करवाया गया है, साउथ एशिया सेफ्टी समिट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और साथ में फेसबुक ने यहां पे कोलैबोरेशन किया है डिजिटल लिटरेसी को आगे बढ़ाने को लेकर। नेक्स्ट है इंडिया पाकिस्तान का जो डेविस कप का मैच होगा वो कजाकिस्तान के जो कैपिटल है नूर सुल्तान वहां पे करवाया जाएगा। दोनों देशों के बीच में था, वो बोल रहे हैं यहाँ नहीं खेलेंगे, वो बोल रहे हैं वहां नहीं खेलेंगे, तो उसको कजाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया गया। साथ में 2020 की हॉकी प्रो लीग जो है वहां पे, ठीक है, भुवनेश्वर के अंदर जो है वो मैचेस है जो कि इंडिया के खेले जाएंगे। ओके, तो भुवनेश्वर होस्ट करेगा इंडिया के मैचेस 2020 के हॉकी प्रो लीग के। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बताया दोस्तों सेकंड प्रो लीग होगा दुनिया की, जो बड़ी बड़ी देशों की है ना जो टीमें है ना हॉकी की, जो क्लब की टीम है वो यहाँ पे आपस में खेलेगी, और इंडिया के मैच कहाँ पे होंगे, वो भुवनेश्वर के अंदर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आज के दिन की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। 21 नवंबर को दुनिया में क्या हुआ, पहली बार पोस्टल स्टैंप जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर रिलीज किया गया, और चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी ने डिक्लेयर किया यूनिलेटरल सीज फायर, यानी कि इंडिया चाइना वॉर के अंदर 1962 में 71 के अंदर दोस्तों इंडियन ट्रूप्स जो थे वो यहाँ पे, ठीक है, मुक्ति भाईनी गुरिल्ला फोर्सेस थी, उन्होंने पाकिस्तान की को डिफीट किया बैटल ऑफ गरीबपुर के अंदर 1971 के अंदर। ठीक है, आज का देखते हैं एक दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस जो कि शरद पांडे के द्वारा शेयर किया गया, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से, आपके उच्च संस्कार ही आपकी शिक्षा का स्तर दिखाते हैं। ये लाइन दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके उच्च संस्कार ही आपकी शिक्षा का स्तर दिखाते हैं, जिस तरीके से आप लोगों से बिहेव करते हैं बात करते हैं वही आपकी शिक्षा का स्तर है जो कि दिखाते हैं। कोई भी आपका चाहे स्कूल कितना ही बड़ा हुआ हो, कॉलेज आपके पास में कोई सा ही रहा हो, आपके पास में डिग्री कहीं की रही हो, ये सब मैटर नहीं करता है, आपके संस्कार ही आपका शिक्षा का स्तर दिखाता है। और हम सभी तो देश के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी के विद्यार्थी है, तो कम से कम हमें तो अपना स्तर दिखाना ही चाहिए। तो यहाँ पे शरद ने काफ़ी अच्छी बात बोली है कि अगर आप वाईफाई स्टडी के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा अच्छा बिहेव सभी लोगों से करेंगे और कभी भी कोई इस तरीके से गलत काम नहीं करेंगे जो कि हमारे ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो, अपने आसपास सफाई रखने का काम करेंगे, दूसरों के साथ मदद करेंगे और एक देश के अंदर इंटीग्रिटी यूनिटी को प्रमोट करेंगे। तो और आपकी शिक्षा का स्तर जो है वो आपके संस्कार ही दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों पहले कि अनअकैडमी के ऊपर कोई भी अगर आपको प्लस कोर्स लेना है तो BHUNESH भुवनेश्वर रेफरल कोड लगा के आप ले सकते हैं। रेलवे के अंदर मेरे 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक की क्लास चल रही है, 111 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। साथ में बैंक के अंदर अभी PSPO मेंस की क्लासेस चल रही है और CGL की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, हिस्ट्री की अभी 2-3 क्लासेस हुई है, तो ज्वाइन कर लेना, PDF और वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं। पुराने वाले लेना कैसे है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, अपना गोल सेलेक्ट करना है, आपका कोई भी गोल हो आप रेफरल कोड यहाँ पे भुवनेश्वर यूज कर सकते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस जो है वो मिल जाएगी, साथ में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने रेलवे यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस में जाइए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में, फिर यहाँ पे 6 महीने 12 महीने का आपके पास ऑप्शन होगा, आप 12 महीने का ले सकते हैं ताकि NTPC 1-2 ग्रुप डी की तैयारी कर सकें जब तक एग्जाम नहीं हो, और अगर आप SSC के स्टूडेंट हैं तो भी 1 साल का लीजिएगा ताकि CGL CHSL MTS GD CPO JEE सभी एग्जाम की तैयारी रेगुलर चलती रहेगी। कंप्लीट कोर्स के साथ में सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और इसकी जो कॉस्ट है वो मात्र ₹500 पर मंथ है, पर मंथ ₹500। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरल कोड के अंदर फिर आपको BHUNESH भुवनेश्वर जो कि अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल क्या है। हाल ही में संसद ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक 2019 पारित किया है, जलियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ था। व्यय वित्त समिति ने 2021 जनगणना के संचालन के लिए डैश की राशि सिफारिश करी है। निम्नलिखित में से किस शहर ने दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी करी है।
डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 2020 हॉकी प्रो लीग में भारत के घरेलू मैच कहां पर आयोजित करे जाएंगे? हाल ही में लोकसभा ने कौन सा विधेयक पारित किया है? कौन सा शहर भारत पाकिस्तान एशिया ओशियाना ग्रुप वन डेविस कप के टाई का आयोजन करेगा? स्वर्ण रथ सेवा किस रेलवे से संबंधित है? किस शहर की पुलिस ने रोबोट यहां पे साइबेरिया लॉन्च किया है? किस राज्य ने हाल ही में स्कूलों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का योजना बनाई है? तो ये थे आज क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।